call. Friends, the GST issue reflects the double speak, the duplicity and the dishonesty of the Prime Minister and the Finance Minister. It shows that those who love acronyms like Grand Stupid Thought, GST, are now being made to look stupid. Why do I say that? आपको याद है कि जब से जीएसटी के इस विकृत तौर तरीके को कार्यान्वित करने का ये सरकार प्रयत्न कर रही है, तब से श्री राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी 100 बार बोल चुके हैं कि ये वन नेशन वन टैक्स नहीं है, ये एक देश और 7 टैक्सेस हैं, वन नेशन 7 टैक्सेस। और इस बिंदु का मुख्य उद्देश्य ये था आपके सामने ये बताना कि जहां टैक्स रेट्स 12 से लेके 18 से लेके 28 से लेके 40% हो, और उसकी मैं छोटे वालों की बात नहीं कर रहा हूं, 3, 5, 7, 8 रेट्स हैं, कम से कम इसमें एक सीमा होनी चाहिए 18% की। हमने वैसे कहा था 15, 15.5%, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा 18%। ये बात हमारा एक मूल मुद्दा था, आपको याद होगा 2014 से 2015 से, उसकी मजाक उड़ाई गई। और आज 4.5 साल बाद, जब चुनाव के 100 दिन बचे हैं, जब आपको मूकी खानी पड़ी है बुरी तरह से हताश होकर 3 प्रदेशों में और बाकी 2 में आपका नगण्य स्थान है, तब आप ये जुमलाबाजी कसते हैं और प्रधानमंत्री एक हिंट देते हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं आया है, एक हिंट दी है प्रधानमंत्री ने कि अब हम चाहेंगे कि 99% से ज़्यादा सभी आइटम 99% से ज़्यादा 18% की दर से कम होंगे, या 18% या उससे कम होंगे। ये मूल वही बात है जिसका हमने बार बार मांग की थी। आज आपने इतनी मजाक उड़ाई, इतना मिथ्या प्रचार किया, आपने अपने खुद के मुख्य आर्थिक सलाहकार जिसने सीमा बाध्य की थी 15, 15.5% की, आपको याद है कि श्री अरविंद सुब्रमण्यम ने कहा था कि सबसे अच्छी न्यूट्रल रेट, जिसे कहते हैं ना मेरिट ना डीमेरिट रेट, न्यूट्रल रेट, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट कहा जाता है उसको, वो 15, 15.5% होगी। हमने कहा चलो बहुत ही खींचना है तो 18 तक कर लो, आप सीमा बाध्य कर दीजिए। आपने खुद ने अपने हमारे को विपक्ष मान के उनकी भी मुख्य आर्थिक सलाहकार की भी सुझाव को आपने नकारा, और आज चुनाव के सामने सिर्फ राजनीतिक रोटियां पकाने के लिए वही बात आप कर रहे हैं। मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं कि ये आडंबर जो है, ये जो हिपोक्रेसी है, ये जो दोगली आवाज़ है, ये जो बेशर्मी के साथ झूठ बोलने की प्रक्रिया है, उसके कुछ उदाहरण देना चाहता हूं आपको। नंबर एक, जुलाई 1, 2018 में माननीय वित्त मंत्री ने कहा, एंड आई एम कोटिंग, राहुल गांधी हैज बीन एडवोकेटिंग ए सिंगल स्लैब ऑफ GST फॉर इंडिया, इट इज अ फ्लॉड आइडिया, दिस इज मिस्टर जेटली, कोट अनकोट, ए सिंगल स्लैब, आई एम स्टिल कोटिंग हिम, ए सिंगल स्लैब GST कैन फंक्शन ओनली इन दोज कंट्रीज वेयर द एंटायर पॉपुलेशन हैज अ सिमिलर एंड ए हायर लेवल ऑफ पेइंग कैपेसिटी, बींग फैसिनेटेड बाई सिंगापुर मॉडल इज अंडरस्टैंडेबल, बट द पॉपुलेशन प्रोफाइल ऑफ अ स्टेट लाइक सिंगापुर एंड इंडिया इज वेरी डिफरेंट। और आगे चलता है उनका कोटेशन। मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर पूछना चाहता हूँ माननीय वित्त मंत्री से, क्या हम अचानक आज चुनाव के 100 दिन पहले सिंगापुर बन गए? हम परिवर्तित हो गए सिंगापुर में क्या? क्या हुआ? ये पिछले 5 महीने में, ये आपने कहा था जुलाई 1, 2018 को, 5 महीने में क्या चुनाव के परिणाम ने आपको बदल दिया, या भारत सिंगापुर में बदल गया, या हमारी पूरी पॉपुलेशन जनसंख्या एक समान हो गई? इन तीनों में से कौन सी चीज हुई? दूसरा, जैसा मैंने कहा, ग्रैंड स्टूपिड आइडिया कहा गया, ग्रैंड स्टूपिड थॉट, ये कहा है 29 नवंबर 2017 को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने गुजरात कैंपेन के दौरान, के श्री राहुल गांधी की डिमांड GST की ग्रैंड स्टूपिड थॉट है, कोट अनकोट। आज ये आर्थिक एक्सपर्ट जो अपने आप को गिना रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री,
वो अपने शब्दों को खा रहे हैं चबा रहे हैं. ग्रैंड स्टूपिड थॉट है या ये वक्तव्य उनका ग्रैंड स्टूपिड थॉट था. आज एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि चुनाव सामने आया है. भरमनसार नहीं चाहिए थी आपको. विकृत जीएसटी को बचाने का उद्देश्य नहीं था क्योंकि 4.5 साल तो निकाल दिया आपने. तीसरा उदाहरण, जुलाई में ही इसी वर्ष श्री पीयूष गोयल ने कहा कि सिंगल रेट की डिमांड कोट अनकोट इज ए रिडिकुलस सजेशन. आज कौन रिडिकुलस दिख रहा है माननीय मंत्री महोदय? आप सबको बरगलाना चाहते हैं? आप समझते हैं देश को मूर्ख बनाने का मानव अधिकार आपके पास है और आप सोचते हैं कि सबका मूर्ख बनने का मानव अधिकार है? आज ये रिडिकुलस सजेशन सुझाव कौन दे रहा है? आपके प्रधानमंत्री ने कहा है कल कि 99% से ज्यादा हम 18% से नीचे रखना चाहते हैं दर में. मेरे पास और कई उदाहरण हैं. माननीय मोदी जी ने भी कहा था इसी वर्ष जुलाई में, आई कोट अनकोट, मिल्क एंड मर्सिडीज कांट बी टैक्स्ड एट सिंगल जीएसटी रेट. हमने कभी कहा कि मिल्क और मर्सिडीज को एक ही रेट पे करो? हमारी बात को विकृत कर दी और आज आप यही कह रहे हैं. सो फ्रेंड्स, दिस इज ए गवर्नमेंट ऑफ हिपोक्रेसी बाय द हिपोक्रिट्स. इस सरकार का उद्देश्य एक ही है, अनर्थकारी नीतियों को लाओ, जनता को सताओ, चुनाव में मार खाओ और फिर मरहम लगाने का नाटक सुनाओ. एग्जैक्टली ये चार स्टेजेस के थ्रू इस सरकार की सोच और प्रक्रियाएं चलती हैं. ये तुगलकी फरमान की चैंपियन सरकार है. आज महामहिम ने आदेश दे दिया, नहीं होगा 40% ही होगा और 28% ही होगा. मैंने आपको याद दिला रहा हूँ वापस, 7 टैक्सेस थे, एक्चुअली 8 या 9 भी हो सकते हैं लेकिन न्यूनतम 7 थे. सबसे बड़ा था 40% का. आज ये तुगलकी फरमान 4.5 साल तक हिले नहीं, डुले नहीं, हमारी मजाक उड़ाते रहे. आज आप खुद उसी बात को कह रहे हैं. फ्रेंड्स, द रियलिटी इज दैट दीज 4 ईयर्स हैव कॉस्ट अस डियर. इसकी कीमत आपको और हमको नहीं, सिर्फ आम आदमी को, इस देश को चुकानी पड़ेगी. इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव तुगलकी फरमान. आई गिव यू एन एग्जाम्पल ऑफ हाउ एक्सपेंसिव इट इज. AIMO इज ए वेरी वेल नोन, द प्रीमियर ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरर्स ऑर्गेनाइजेशन. AIMO बहुत पुराना स्थापित है. उसने सर्वे किया है कि GST और 2016 वाले डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी को मिलाकर, सर्वे रिवील्स दैट ऑपरेशनल प्रॉफिट्स ऑफ ट्रेडर्स हैव ड्रॉप्ड बाय 70% सिंस 2014. जॉब लॉसेज आर रिपोर्टेड एट 43% इन द ट्रेडर सेगमेंट. माइक्रो सेगमेंट रिपोर्ट्स लॉस ऑफ 32% जॉब्स. स्मॉल सेगमेंट्स रिपोर्ट्स ऑफ 35% एंड मीडियम स्केल अबाउट 24%. ये सिर्फ जॉब लॉसेज है AIMO द्वारा. इसको कई बार लूजली कहा जाता है MSME सेक्टर, मध्यम वर्ग, स्मॉल स्केल सेक्टर. ये है आर्थिक मैनेजमेंट और जुमले का प्रभाव या दुष्प्रभाव. आपने रात को 12 बजे संसद को खोलकर इस विकृत GST के लिए हल्ला बोल करवाया था. हर चीज आपके लिए जुमला या इवेंट होती है, हर चीज आपके लिए एक जश्न होता है. उसमें शब्द हो, जश्न हो, बाकी कुछ ना हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता. तो मैं ये कहूँगा कि आज आपके जाने का समय आ गया है. इस प्रकार के चुनावी लॉलीपॉप 4.5 साल बाद बात करना, इस प्रकार की हिपोक्रेसी दिखाना, इस प्रकार की दोगली आवाज़ निकालना, सब जानते हैं, जनता सब समझती है और आपने अभी उसका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण ट्रेलर देखा है. पूरी फिल्म भी आपके सामने निकट भविष्य में आ जाएगी. एनी क्वेश्चंस? द प्रेस रिलीज आई विल गिव यू हैज द कोटेशंस.
making poking fun at us whenever we ask for 18%. So, मैंने अभी बोला quotation आपके सामने, वो quotation है. अच्छा, before I forget, for those who came late, I am reminding and requesting you all again that please do come for lunch on Sunday at 12:15. You have got information, you have got WhatsApps, but 12:15 at India International Center, Rose Garden. So kindly. Yeah. हाँ. हाँ. देखिए, मैंने पब्लिकली चुनाव के दिन 11 दिसंबर को इस बात की सराहना की थी कि माननीय चौहान जी ने बहुत व्यापकता दिखाई राजनीति में और अच्छा प्रदर्शन किया 15वें वर्ष में, और ये भी कहा था बाद में कि उन्होंने सौहार्द्र दिखाया, मैग्नैनिमिटी दिखाई उस दिन सबके साथ जश्न में हाथ उठाने से, और मैं उस बात को बरकरार रखता हूँ. लेकिन साथ साथ ये आपको विचित्र लगता है कि नहीं कि जो माननीय मुख्यमंत्री 5 साल काट गए, उसके पहले 10 साल काट गए, 15 साल टोटल काट गए, उन्होंने तो कुछ भी नहीं किया ये. और आज 10 दिन के अंदर नहीं, 3 दिन के अंदर जब हुआ लोन वेवर माफ़ या लोन माफ़ी, तो उसके साथ साथ वो और विभिन्न प्रकार के लोनों की माफ़ी मांग रहे हैं. ये विचित्र नहीं लगती आपको? तो मैं समझता हूँ इस प्रश्न के अंदर उत्तर निहित है. हाँ, मैं आश्वासन देना चाहता हूँ माननीय पूर्व मुख्यमंत्री को कि अभी आपने 3 दिन में देखा है, 15 साल तो बहुत बड़ा समय होता है, आप देखेंगे भविष्य में धीरे धीरे किस प्रकार से जहाँ जहाँ उपयुक्त होगा, जहाँ यहाँ सही होगा, जहाँ जहाँ संतुलित होगा, हर वो जनहित का कार्य किया जाएगा जो आप नहीं कर पाए थे. No, madam, I don't agree with your analysis. These are early days. We are in December. There is no question of stitching alliances, closing doors or opening doors. I think that level of discussion and interaction has not started. Certainly, you are right in saying that there is an understanding, an alliance of some sort between two parties in UP. That is not to say that we have been or other parties have been a part of that process at the moment. That is neither to include nor to exclude. At best, you can say the issue is open. Okay. I can only say this, that in the near future and in the coming months and weeks, you will find that though at the moment no initiative, no formal talks, no semi-formal talks have happened, everybody here realizes the importance of minimizing and preventing vote division. And you have to wait for the story to unfold in January and February. I think it's premature to come to any conclusions yet. I am not saying in the affirmative or in the negative. Sir, we are taking it from what Samia asked. But does Congress want to, is Congress keen to be part of that? See, Congress is certainly keen and ready to be part of any secular, non-communal, reasonable alliance, understanding, adjustment by whatever name called. I don't like the word Gadbandhan always, or Mahagadbandhan, or Mini Gadbandhan. But yes, it is, provided A, it is respectable, B, it does not cause harm not only to the other party's interest but also to Congress, and C, it is effective in preventing vote division. That is the mantra of getting together. But we are now talking of a process which has not yet started. We have neither been included nor been excluded. But we are talking of specific Uttar Pradesh. Yes. I've answered your question, Uttar Pradesh only. So on Uttar Pradesh, now that you are saying that you are keen on an alliance. No, you quote my whole sentence. I didn't say keen on, I said we are open to and keen on alliance provided these conditions are met. Okay. That's right. So now coming to that, Mr. Satish Mishra has told NDTV vacant correctly. Because there are some reports saying that there is non-BJP, non-Congress, Vatte party. Will Rahul Gandhi go to wish by 15th of January
You see, let us not mix up social courtesies with political decision making, which is a hard, solid, reasoned, logic decision making. I do not see, I don't know his program. I cannot say whether I will go there or I will not go there. But I can certainly tell you that the Congress party, Shri Rahul Gandhi and Shri Sonia Gandhi in particular, have maintained the highest levels of social courtesies, of all kinds of proper conduct. And what to talk of Mayawati ji and Akhilesh Yadav ji and their respective parties, even those who are antagonistically opposed to us, which these parties are not really in any major sense, even there we maintain all social courtesies. And when you say that, you know, respectable seats were yes. These are matters of detail, you know what I mean. You have to allow that process to unfold. And let me tell you, today it remains the BJP and Mr. Modi's biggest terror that different statewide adjustments, understandings, alignments will happen. Now, this doesn't mean that there is some kind of an all India big word which you are using, but statewide, state level, constituency wide, region level. And that is the biggest terror which the BJP and Mr. Modi are reeling under. Ji. Okay. Who? I can't use an unqualified word like support. It is definitely an improvement. It has definitely taken care of some of our concerns, and I cannot hesitate but say that it took a long time for them to realize the correctness, just like it took 3 years to realize the correctness of our GST rate, which I have just spoken about. There may be still some teething problems. We'll look into it in detail. But if it is otherwise okay, we are prepared for constructive action. I can't say support at the moment, but we will look into it. There is a possibility that the standing committee may submit its reports on citizenship amendment bill, and the government may bring the bill in this session itself. What will be the stand of the Congress party on the? See, I think these are lots of ifs and buts. There may be a lot of ifs and buts there because we do not have the report yet. We do not have the report yet. The last I heard that there were a lot of different viewpoints even in the committee, but that is only on the basis of newspaper reports. I think a matter as important as this will come to Parliament in a very reasoned long debate when we get the time. But the basic point which appears to be staring us in the face is, to what extent can people support something which appears to be discriminatory, and to what extent that discrimination is based on religion? These are issues of law, of constitutional validity, of logic, of reasonableness, and I think we have to go into it. Certainly, there are a lot of parties here who might not want to react to discriminatory or religion-based distinctions. I agree with you that no electoral victory and no electoral defeat is a single point agenda or a dual point result. To that extent, I agree. It is not that you win or lose by only point A or only point B. But let me tell you that the general akrosh, anger, resentment against the government is based on multiple factors, and the cumulative impact of that is important. Two of which contributing in a big way for cumulative impact are certainly GST and demonetization. Let me flip your point the other way around. There is no major victory by them except in UP, by which time actually the effects of these two had not really panned itself out. Gujarat was a whisker. They were ultimately not able to get a majority in Karnataka. Tripura, yes, they made gains. Across the country, they have lost so many elections after that. Do you think Goa was a victory? Do you think Manipur was a victory? Gujarat, technical victory, technical knockout. Even the BJP doesn't consider it to be a victory. Karnataka, these three states. So as the effect unfolds, people realize the true effect of this. Sir, you said that only December,
No, I. How long are you willing to wait? No, no. It's not a question of waiting. These are hard issues of logical consultation. They take time. You can rest assured that if it is to happen, it will happen within a reasonable time frame. We are still within that reasonable time frame. Let me not speculate on this. But at the end of the day, if things don't turn out, we are a national party, we have fought elections on our own, UP, we will fight fully and totally. But we would like only because it should not benefit by vote division the BJP. That's the basic object of trying to lean over backwards in getting the best for the country.